अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर असिस्टेंट टीचर फॉर क्लास 6 A and B लाइट स्कूल हुनाबाद कैंपस। बेटा मेरे पास आपकी इस वक्त से सोशल स्टडी फॉर पाकिस्तान की बुक है, और आपने जो है वो अब हम इसका क्वेश्चन आंसर कुछ चैप्टर्स के हमने कर लिए थे, लेकिन हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं किया था, ठीक है, जिसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो अब हम इसको देख लें कि फर्स्ट चैप्टर आप खोलें। कुछ बच्चों ने कर लिया था क्योंकि जो प्रेजेंट थे, और बच्चे जो एबसेंट थे उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स जो हैं, इसमें आप ये देखें पेज नंबर हमारे पास है जी 3, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम द 2 ग्रेट रिवर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 जो है वो इसकी ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद आ गया रिवर सिस्टम इन द इंडस एंड द गैंग्स, ठीक है, ये इसकी पूरी ब्लैंक है। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 के ऊपर है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज फेयरली हाई लैंड विच गेट्स इज वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है। तो ये जो है पाकिस्तान का जो वेस्टर्न इलाका है वो बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है, तो इसमें लिटिल जो है वो इसकी ब्लैंक है। थर्ड नंबर पे आप आ जाएं, द हाईएस्ट पॉइंट इन माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, इट्स 8848 मीटर्स हाई, ठीक है। 8848 जो है वो इसकी ब्लैंक है। पेज नंबर हमारे पास है जी 5, पैराग्राफ नंबर 1, लाइन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नीचे आ जाएं आप, मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ, मोर देन 3/4 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव इन द प्रोवेंसेस ऑफ पंजाब 55%, ठीक है। तो इसमें 55% जो है पंजाब में रहती है, ठीक है, और सिंध में जो है 30% रहती है, ठीक है। ये होगी हमारे पास ब्लैंक। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है ये इस चैप्टर की सारी ब्लैंक्स हो गई हैं। अब आपने इन ब्लैंक्स को जिन बच्चों ने राइट कर लिया था, ठीक है, वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं राइट किया था वो राइट कर लें, जिन्होंने किया हुआ राइट वो उसको दोबारा राइट नहीं करें, ठीक है। थैंक यू।